बापू, तुमको ठीक से याद है कि तुम्हारे बाप यानी कि मेरे दद्दू इसी जेल में बंद थे? पिछली बार तो थे, लेकिन अभी होंगे या भाग गए होंगे या भागने के चक्कर होंगे वो मालूम नहीं कुछ। बापू, मेरे दद्दू का नाम क्या था, मैं भूल गया। तेरे को तेरे दादा का नाम याद नहीं है? दयाशंकर। दयाशंकर? हम मानते हैं दयाशंकर कि जमीन आपकी है, सरकार की नहीं। तो सरकार ने मेरी बात मान ली है तो उस जमीन की कीमत अदा कर दीजिए। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या अपन नेक बन के बाहर निकलेंगे? दद्दू, तुमने आज तक फ्रॉड करके दुनिया को क्या क्या बेचा है? ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला। अभी थोड़ी देर पहले जेलर को मैं जेल बेच के जा रहा हूँ। हाँ? बापू, ये तो तुम्हारे भी बाप निकले। निकलेगा क्या मतलब, वो है मेरे बाप। ओ, हाँ। बाप निकले बोलता है। ये कोई जेल है? छे 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 छे, अनाथ आश्रम से भी बदतर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया तुम। अगर मेरी अनाथ आश्रम की कहानी तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। अबे चुप, जब तक अपनी कहानी सुनाता रहता है। अरे भाई साहब, आपने पिछली बार मेरी कहानी कहाँ सुनी थी, आज सुन लो ना, कोई नहीं सुनता। एक शॉर्टकट बताऊं, तुम मर के ना यमराज को कहानी सुना देना। यम? दद्दू, बंद कर दे भाई। आप तो जेल बैठ के जा रहे थे। अरे सब इन लोगों का प्लान था, मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहते थे। मुझे पहले खुद बाहर जाने दिया और फिर तमाम नकली कागजात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिए। इस दुनिया के अंदर इंसान कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म करके कभी बच नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत मशहूर है ना, क्राइम नेवर पेज। जुर्म करके आदमी कभी भी सुखी रह नहीं सकता, कानून से बच नहीं सकता। बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बेटा दस नंबरी तो दद्दू नंबरी।